डिग्री ऑफ डिमांड। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है, सो इस कि अब आप सेकंड पैराग्राफ को देखें स्लाइड के। द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज दैट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। प्राइस इलास्टिसिटी आपको समझ आ गई कि अगर 1% प्राइस चेंज करने की वजह से मोर देन 1% चेंज क्वांटिटी डिमांड पे आ जाए तो हम कहते हैं ये प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक है। अगर 1% चेंज इन प्राइस की वजह से लेस देन 1% चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आता है तो हम कहते हैं ये प्रोडक्ट जो है ये प्राइस इनइलास्टिक है, यानी कि प्राइस का इतना ज्यादा इम्पैक्ट उसकी क्वांटिटी डिमांड पे नहीं आता। सर ये फॉर्मूला आप चीजें सर 1% लाजमी यूज है या 1% से ज्यादा भी आ सकता है प्राइस में चेंज? नहीं, 1% तो एक स्केल है सिर्फ, आप उसको दोनों जगहों पे 10% कर लें, 100% कर लें। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर प्राइस में 100% चेंज आया है तो लेस देन 100% अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया तो वो इनइलास्टिक है, या मोर देन 100%। सो आप जो भी स्केल रखेंगे वो सेम रखेंगे, अगर आप रेशो निकालेंगे तो वन ही आ जाएगी रेशो। जैसे 100% करेंगे तो 100% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन लेस देन और मोर देन 100% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सो रेशो सेम आ जाएगी, इसलिए उसको हम यूनिट कहते 1% से डिनोट करते हैं। आप उसको 100 कर लें, 20 कर लें, 25 कर लें, जो मर्जी कर लें। क्लियर हो गई ये बात या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर हो गई। ठीक है, सो फॉर्मूला आपने इसका याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो पेपर में, आपके पेपर में भी हो सकता है इस किस्म के क्वेश्चंस आए, सो जो गलती होती है वो यही होगी कि आप परसेंटेज कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। लेट्स, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि 100 एक चीज की प्राइस है, मैं उसको 101 कर देता हूँ, तो परसेंटेज चेंज कितना है? 1%। ऑन द अदर साइड क्वांटिटी डिमांड लेट्स से 10 है और मैं उसको 9 कर देता हूँ, तो आप बहुत से स्टूडेंट्स उसको गलत समझ लेते हैं, वो उसको भी 1% समझते हैं, जबकि अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 10% बनता है। नंबर में या न्यूमेरिकल में तो वो 1 ही है, 10 से 9 हो गया, लेकिन जब आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो 10% बनता है। सो इसको आपने केयरफुली देखना। सो द प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर इंडिविजुअल गुड्स आर डिटरमिंड बाय द इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। Price elasticities tend to be higher when the goods are luxuries and when substitutes are available. ये भाई जैसे मैंने अभी आपको example बताई कि जो जरूरी चीजें हैं वो चीजें जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, या वो चीजें जो हमें day to day needs हैं जिनके जो जरूरी हैं उनकी, वो बहुत ज्यादा price elastic नहीं होती, बल्कि वो price inelastic होती है। कि price बढ़ भी जाए तो बहुत ज्यादा उसकी quantity demand कम नहीं हो जाती। On the other side अगर प्राइस बहुत ज्यादा कम भी हो जाए तो इंसान उतनी ही चीज लेता है जितनी उसकी जरूरत है, बिकॉज दे आर नेसेसिटीज, दे आर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ऐसी चीजें जो लग्जरीज हैं, ऐसी चीजें जो एडिशनल हैं, या ऐसी चीजें जो आपके लिए जरूरी इस हवाले से हैं कि अगर ये होंगी तो ठीक है, दैट इज फाइन, अगर नहीं होंगी तो काम चल सकता है, ऐसी चीजें ज्यादातर इलास्टिक होती हैं या प्राइस इलास्टिक होती है। आप वेट कर लेते हैं कि ठीक है अभी प्राइस बढ़ गई है, जब प्राइस कम होगी तो हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, सो डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में इंट्रैक्ट करती है और उसकी वजह से रिजल्टेंटली जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, सो आप उसको तब खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वो नेसेसिटी है, अगर वो जरूरत है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं कर सकते कि आज अगर आपको चाहिए तो आप 10 दिन वेट कर लेंगे, 10 दिन बाद ले लेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब अल्टरनेटिव, कि एक प्रोडक्ट महंगी हो गई है तो आप दूसरी प्रोडक्ट ले लें, अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो फिर भी वो प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक हो जाती है। प्राइस इलास्टिक क्यों हो जाती है? कि आप एक प्रोडक्ट अगर महंगी हो गई है तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड करना छोड़ देते हैं, आप उसकी बजाय
उसके अल्टरनेट पे चले जाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाते हैं, किसी और प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। सो क्योंकि अब आपने एक प्रोडक्ट की बजाय दूसरी प्रोडक्ट लेना शुरू कर दी, तो इवेंचुअली उसकी क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जैसे टपाल और लिप्टन की फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर टपाल की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो लोग एक सेकेंड ब्रांड पे, लेट से लिप्टन पे चले जाते हैं, तो नतीजा क्या होगा, टपाल की प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ड्रास्टिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लोग एक सेकेंड प्रोडक्ट पे, एक अल्टरनेटिव पे, एक सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो गए हैं और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड मार्केट में कम हो गई है क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई थी। लेकिन अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो प्रोडक्ट ही एक है और ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर प्राइस बढ़ जाने के बावजूद आप उसी को ही बाय करेंगे, तो इसलिए वो प्रोडक्ट फिर प्राइस इनइलास्टिक हो जाएगी। ये उसकी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम ई डी से डिनोट करते हैं, ई इज अ कैपिटल और डी उसके लोअर स्क्रिप्ट में होता है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, ये परसेंटेज, ये चेंज को शो कर रही है बेसिकली कि कितना चेंज आया है। लेट्स से क्वांटिटी डिमांड पहले 10 थी और अब क्वांटिटी डिमांड 8 हो गई है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो ये जो डेल्टा क्यू आपको नजर आ रहा है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह आप अपने राइट साइड पे देखें तो डेल्टा पी आपको नजर आ रहा है, दैट इज चेंज इन, स्लाइड चेंज नहीं हो रही जी, अब देखें अब आ रही है, यस सर, ठीक है। तो इसमें आप देखें डेल्टा पी आपको शो हो रहा है, दैट इज चेंज इन प्राइस। लेट से कि प्राइस पहले 100 थी और वो बढ़ के 110 हो गई, चेंज कितना आया, 100 माइनस 110 दैट इज 10, तो 10 जो चेंज आया है वो हमें शो कर रहा है ये डेल्टा पी जो यहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन रिमेम्बर, हमने चेंज नहीं ढूंढना, हमने ढूंढना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस और न्यू से और उसको एवरेज आउट करने के लिए 2 पे डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये फॉर्मूला में, इसका भी न्यूमेरिकल भी आपके सामने मैं शो करता हूँ, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा क्यू हो गया दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और नीचे जो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो चेंज आया है उसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपने GPAs या आप मैट्रिक इंटर में अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते रहे होंगे कि अगर आपके 100 में से 70 मार्क्स हैं तो आप कहते हैं मेरे 70% मार्क्स आए। अब अगर टोटल मार्क्स 200 है और आपके लेट से 120 मार्क्स आए हैं, तो अब आप कैलकुलेट करेंगे उसको, दैट इज जो भी आपका जो 120, दैट मीन्स कि 200 में से 120 जो आपके मार्क्स आए हैं वो कितने परसेंट बनते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज तो पता चल गया कि पहले 10 थी या 8 रह गई, तो चेंज तो पता चल गया 2, लेकिन कितने परसेंट बनता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो फिगर पहले कितनी थी, उसमें चेंज कितना आया, और उसको हम 2 पे डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 2 क्वांटिटीज हैं, उसको एवरेज करना है। जैसे आपके लेट से 5 सब्जेक्ट्स हैं, किसी में 70 मार्क्स हैं, किसी में 68 हैं, किसी में लेट से 50 हैं, किसी में 95 हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि उसकी एवरेज क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप सबको जमा करेंगे, 95 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 50 प्लस जो भी 5 नंबर है, और उसको एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड कर देंगे या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिवाइड कर देंगे। इसको हम मीन भी कहते हैं। आपने बिजनेस मैथ्स शायद पढ़ लिया है या कहीं आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, उसमें आपको एवरेज करना, मीन निकालना भी बताया जाएगा। सो ये मीन ही हम निकाल रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, ठीक है। सो जब आपने 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालनी है, आप क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे, तो आपकी एवरेज आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे हमने किया Q1 प्लस Q2
क्योंकि दो फिगर्स थी तो उसको दो पे डिवाइड कर दिया। अब जो भी इसका आंसर आएगा, चेंज को हम इस Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये होगा, हो गया हमारा न्यूमेरेटर वाला काम। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो डिनोमिनेटर वाला है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा कि पहले हम देखेंगे प्राइस कितनी चेंज हुई है और फिर उसकी परसेंटेज चेंज निकालने के लिए उसको P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर एंड पे फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्राइस इलास्टिक है या प्राइस इनइलास्टिक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है जी। अब इसकी जरा आप देखें कि रिजल्ट्स, मतलब इस पे ऑब्वियसली जब हम ये कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई फिगर आएगी। वो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 0.1 आ सकती है, 5 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। वो रिजल्ट हमें बताता क्या है ये अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर तो इसका आंसर when a 1% change in price calls forth more than 1% change in quantity demanded, तो क्या होगा, हम कहेंगे ये price elastic demand है, ठीक है? For example, if a 1% increase in price yields a 5% decrease in quantity demanded, तो commodity को क्या कहेंगे कि वो price elastic है। ये ही सारी example जैसे मैंने आपको पहले भी बताई कि अगर 100 रुपए से प्राइस को हम 101 कर देते हैं, हम कहते हैं प्राइस में 1% चेंज आया। और अगर क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से 10 से 8 हो जाती है तो हम कहते हैं 20% चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांडेड में। सो ऐसा आंसर दैट रिजल्ट विल शो अस कि जो भी कमोडिटी, जो भी हम प्रोडक्ट देख रहे थे वो प्राइस इलास्टिक है। सिमिलरली इसके बिल्कुल ऑपोजिट कि अगर 1% चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस लेस देन 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो हम कहेंगे ये प्राइस इनइलास्टिक है। सो ऐसी जो उस गुड की डिमांड होगी दैट विल बी प्राइस इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि वो एग्जैक्टली 1 आए, मतलब 1% चेंज इन प्राइस हैज रिजल्टेड इन एग्जैक्टली 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ऐसी कमोडिटी या ऐसी डिमांड को हम फिर कहेंगे यूनिट इलास्टिक। ये अभी आगे लिखा भी होगा, यूनिट UNIT, यूनिट इलास्टिक डिमांड, मतलब जितना प्राइस में चेंज आया था एग्जैक्टली उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया, ठीक है? अब ये आप जरा न्यूमेरिकल एग्जांपल। जी बेटा पूछे सर, प्राइस इन इलास्टिक का आपने क्या बताया कि जब हम हमारी क्वांटिटी डिमांड में 0.001%, मतलब 1% से कम आए चेंज, तो वो इन इलास्टिक होगी। जी बिल्कुल, 0.01 तो मैंने एग्जांपल दी थी, एनीथिंग लेस देन 1, मतलब अगर हम 1% प्राइस को चेंज करते हैं और रिजल्ट के तौर पे क्वांटिटी डिमांड में लेस देन 1% चेंज आता है उसको हम कहेंगे प्राइस इन इलास्टिक। ओके सर, और अगर सर 2% आ जाए तो वो इलास्टिक हो जाएगी। बिल्कुल, 1% चेंज इन प्राइस की वजह से अगर 0.9% भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है तो वो इन इलास्टिक है। इसी तरह 1% चेंज इन प्राइस में अगर 1.1% भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है तो हम कहेंगे इलास्टिक है। आप देखें ना कि 1% अगर प्राइस में बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उसकी क्वांटिटी डिमांड 1% से ज़्यादा उस पर असरअंदाज हो रही है। तो ऐसी चीज़ फिर इसका मतलब है ये ज़्यादा इलास्टिक है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये ज़्यादा एक दूसरे से ऑपोजिट स्ट्रेच कर जाती है, गैप बढ़ जाता है, ठीक है? अब आप ये न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें, इसमें कुछ जो बताई हुई है, जैसे आप क्यू देख रहे हैं, हम कहते हैं कि जी ये जो क्वान्टिटी है ये बाइक्स की है, चले ठीक है। सो जब प्राइस, आप इसमें सिर्फ क्यू और पी को देखें, अब ये डेल्टा क्यू को छोड़ दें, सिर्फ Q देखें और P देखें, मैं कहता हूं कि जब प्राइस 6 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 0 थी, कि 6 रुपये या 6,000 कर लें या इसको 60,000 कर लें, उस वक्त पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने को तैयार नहीं था, क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 0 थी। जब प्राइस कम हो गई
यानी कि 6 से कम होके 4 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड मार्केट में 10 हो गई। ये लॉ तो आपको पता है, प्राइस ज्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो आप देखते जाएंगे कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। अब प्राइस हमने 6 से कम करके 4 कर दी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो थी, जो सबसे पहले कॉलम में लिखी है, वो 10 हो गई। फिर हमने प्राइस मजीद कम की, 4 से कम करके 2 कर दी, तो रिजल्ट क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा, उससे भी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि 10 से 20 हो गई। फिर प्राइस 2 से मजीद उसको कम किया, 0 कर दिया, तो लेट से क्वांटिटी डिमांड जो है वो 30 हो गई। अब ये हमारे पास एक डेटा आ गया क्यू और पी का। आपको जो पेपर में क्वेश्चन आए या आपको जो पूछा जाएगा उसमें सिर्फ क्यू और पी दिया जाएगा, बाकी सारा इसका सोल्यूशन है सो वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो आपने खुद कैलकुलेट करना। अब याद करें फॉर्मूला क्या था, मैं पिछली स्लाइड पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये था वो फॉर्मूला जिसकी वजह से हमें ये सारा कुछ अब कैलकुलेट करना है, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाय टू, और इसी तरह प्राइस से रिलेटेड। अब ये फॉर्मूला आप याद रखें, एक दफ़ा केयरफुली देख लें, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, या लिख लें ताकि न्यूमेरिकल जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँगा तो वो फॉर्मूला आपके सामने हो। इसको 1 मिनट में लिख लूँ। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल, इसमें अब हम डेल्टा क्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था डेल्टा क्यू क्या है, वो चेंज है, ये कितनी क्वांटिटी चेंज हुई। सो 0 से 10 अगर आप चेंज देखें दैट इज 10, इसी तरह 10 टू 20 आप चेंज देखें अगेन 10, एंड 20 टू 30 10। ये फिगर्स चेंज भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है ताकि समझ आ जाए। फिर ये आपको मैं एक असाइनमेंट या एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा जो आप डिफरेंट फिगर्स के साथ करेंगे। सिमिलरली अब हम डेल्टा पी देखते हैं, तो प्राइस 6 थी जो कम होके 4 हो गई, तो डिफरेंस कितना है 2 का, मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली 4 माइनस 2 इज अगेन इक्वल्स टू 2, एंड 2 माइनस 0 इज 2। सो अब हमारे पास डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी आ गया और चेंज इन प्राइस भी आ गया, बट हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मजीद वर्किंग चाहिए, दैट वर्किंग इज, अब ये लास्ट वाले आप कॉलम में देखें जो राइट साइड पे कॉलम है, वो फॉर्मूला पूरा लिखा भी हुआ है यहाँ पे, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई टू। सो अभी हमें डेल्टा क्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब जो डिनोमिनेटर में है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 क्या था, Q1 वाज 0, Q2 क्या है 10, सो जब आप 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे दैट विल बी 5। सिमिलरली 10 प्लस 20 दैट इज 30, जब आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे दैट विल बी 15। सिमिलरली 20 प्लस 30 इज 50, 50 डिवाइड बाय 2 विल बी 25। ये हो गया हमारा पहले वाला पोर्शन, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई टू, ये हमें हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट फिगर्स पुट करना बाकी रह गई हैं। अब रिमेनिंग पार्ट पी के साथ भी या प्राइस के साथ भी ऐसा ही करना है। सो P1 वॉज 6, P2 वॉज 4, सो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5। फिर 4 प्लस 2 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, एंड 2 प्लस 0 इज 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। अब ये जो हमें जो भी फिगर्स या जो भी न्यूमेरिक्स चाहिए थे वो मिल चुके हैं, नाउ वी जस्ट नीड टू पुट दीज फिगर्स और न्यूमेरिक्स इन टू द फॉर्मूला। एंड द फॉर्मूला में क्या है, डेल्टा क्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो है 10, सो 10 आ गया, डिवाइडेड बाई क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई टू हमने फाइंड आउट किया था वो 5, सो हमने 5 लिख दिया, सो 10 डिवाइडेड बाई 5। फिर रिमेम्बर डिवाइड क्या डिवाइड करना था इसको, डेल्टा पी ओवर पी वन प्लस पी टू से, तो वो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, डेल्टा पी वॉज 2, सो 2 लिख दिया, और पी वन प्लस पी टू डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट किया था जो कि 5 था, सो 5 लिख दिया।
अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, दैट इज 10 डिवाइड बाय 5, फिर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5। अब ये आपको मैथ्स के, आपने यकीन मैट्रिक में पढ़ा होगा, जब डिवीजन का साइन होता है तो हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब जो न्यूमरेटर में होता है उसको डिनोमिनेटर में कर देते हैं। सो 10 डिवाइड बाय 5, जब हम इसको मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे द रिजल्ट विल बी 5। ठीक है, सो रिजल्ट आपके पास आ गया 5। नाउ दैट मीन्स कि अगर आप 1% प्राइस में चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड में 5% चेंज आ जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन हो तो ये इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा? सर इलास्टिक होगा। इलास्टिक होगा बिकॉज द रिजल्ट इज मोर देन 1। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर 1% चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन मोर देन 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि यहाँ पे 5 आ रहा है, सो दैट मीन विल बी इट इज अ प्राइस इलास्टिक डिमांड। अब आप सेकेंड इसी तरीके से, मैं जैसे मैंने आपको पहला सॉल्व करके मतलब बताया बोल के, सिमिलरली जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो सेकेंड विल रिजल्ट इन एग्जैक्टली 1। 1 मीन्स इट इज यूनिट इलास्टिक, कि आप जितना भी जितने परसेंट प्राइस में चेंज करेंगे एग्जैक्टली उतने परसेंट आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। सो इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। एंड लास्टली, जब हम इसको कैलकुलेट किया लास्ट वाले पॉइंट को, द रिजल्ट इज 0.2। 0.2 मीन्स इट इज लेस देन 1, सो द रिजल्ट विल बी इन इलास्टिक डिमांड। कि अगर 1% आपने प्राइस में चेंज किया, उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड पे सिर्फ 0.2 का फर्क आया। सो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहेंगे दिस इज प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। इस सब को यू हैव 2 मिनट्स इस सारी चीजों को जो मैंने आपको बताई इसको अंडरस्टैंड करें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। सो इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड। सर डेल्टा क्यू कैसे आपने बताया था? दोबारा बोले, सर डेल्टा क्यू आपने कैसे बताया था निकालना? डेल्टा क्यू मींस चेंज, न्यूमेरिकल चेंज, मतलब डेल्टा क्यू इज क्वांटिटी आपकी कितनी चेंज हो गई है। अगर मैं कहूं कि मेरी क्वांटिटी 1 लाख थी और प्राइस कम करने की वजह से क्वांटिटी डिमांड 1,25,000 हो गई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज माय डेल्टा क्यू। दैट मींस 1,25,000 माइनस 1 लाख, सो जो डिफरेंस है 25,000, दैट इज डेल्टा क्यू। ओके सर। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन, एनीवन? ठीक है जी, अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सो रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन सेम जो मैंने आपको बताई, एक सिर्फ यूनिट इलास्टिक रह गई थी, आइडियली ये भी मैं इसको ऊपर ही स्लाइड जब आपको भेजूंगा तो स्लाइड ऊपर ही कर दूंगा। 3 हमारे पास सिनेरियोज आए हैं, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और इलास्टिक। सो व्हेन द रिजल्ट विल बी मोर देन 1 इट विल बी इलास्टिक, व्हेन द रिजल्ट विल बी लेस देन 1 इट विल बी इन इलास्टिक, एंड इफ द रिजल्ट इज एग्जैक्टली 1%, विच मीन्स द सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल रिजल्ट इन द सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसको हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक। अब अगर हम इसको डायग्राम्स के तौर पे देखें, अगर हम इसको उसके कर्व्स या ग्राफ्स बना के देखें, तो जो इलास्टिक डिमांड होती है वो हॉरिजॉन्टल साइड पे ज्यादा होती है। आपने लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ा था और तो आपने कर्व्स बनाए थे, आपने एक लेफ्ट साइड पे या वर्टिकल साइड पे प्राइस लिखी थी और हॉरिजॉन्टल साइड पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखी थी। जब आपने उसको ड्रॉ किया था तो ये इसी तरह का ग्राफ बना था। आप देखें जितना ज़्यादा ये हॉरिजॉन्टल साइड पे होगा, अगर मैं उसको स्लैंग लैंग्वेज में कहूँ तो लेटा हुआ होगा या डाउनवर्ड साइड होगा, या फिर आप समझें कि वो हॉरिजॉन्टल साइड पे ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ वर्टिकल, दैट विल शो यू द इलास्टिक डिमांड। क्योंकि देखें लेफ्ट साइड पे या जो वर्टिकल साइड है, अगर प्राइस 500 है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियंस।
जैसे ही आपने उसकी प्राइस डबल की 500 से 1000 कर दी, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 1 पे आ गई, ठीक है। प्राइस डबल हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर हाफ हो जाती, यानी कि 3 का हाफ 1.5 बनता, तो ये यूनिट बन जाता। लेकिन हुआ क्या कि परसेंटेज जब आप देखें 3 से 1 पे आ जाना है, परसेंटेज में ये बड़ी परसेंटेज है, ठीक है। सो इसको हम कह रहे हैं इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक देखें तो ये कर्व जो है, जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल साइड से नीचे आ रहा है, वैसे ही उसी मतलब एंगल के अंदर वर्टिकल साइड पे आ रहा होगा। और अगर आप इन इलास्टिक की बात करें तो ज़्यादा ये वर्टिकल साइड पे है, और वर्टिकल साइड पे मतलब स्ट्रेट होता जाएगा। और जो बिल्कुल एग्जैक्टली इन इलास्टिक है, एग्जैक्टली इन इलास्टिक से मतलब कि आप जितना मर्जी प्राइस में चेंज कर दें, क्वांटिटी डिमांड में ज़रा सा भी चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल ही पैरेलल टू वर्टिकल साइड या पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस जो है वो होगा। यानी कि इसमें तो आप देखें ना, इन इलास्टिक डिमांड में जो लास्ट सी वाला डायग्राम बनी हुई है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल साइड पे आ रहा है लास्ट में, लेकिन अगर वो एग्जैक्टली इन इलास्टिक हो कि जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा दें, कम कर दें, जो मर्जी करें, क्वांटिटी डिमांड पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब फाइनली ये बल्कि ये डायग्राम बनी भी हुई है, अगर आप देखें परफेक्टली इलास्टिक देखें तो ये हॉरिजॉन्टल साइड पे लाइन है डी डैश की स्ट्रेट, कि आप उसकी जो डिमांड है, आप जैसे ही प्राइस चेंज करेंगे उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एग्जैक्टली उसी तरह चेंज हो जाएगी। और अगर आप डी डी देखें जो 200 के ऊपर है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की बात कर रहा हूँ, सो प्राइस 0 है, 50 है, 100 है, 150 है, 200, जो मर्जी आप प्राइस कर लें, उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो डिमांड एग्जैक्टली 200 पे कायम है, ठीक है। सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगी तो वो एग्जैक्टली पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस होगी, और अगर परफेक्टली इलास्टिक होगी तो वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगा। सर इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? आप रोटी की बात कर सकते हैं, लेट से कि आप गंदम के हवाले से या रोटी की हम बात करते हैं, आटा अगर लेट से कि 200 रुपये किलो खुदा ना हास्ता कभी हो जाता है, तो क्या लोग आटा खाना या रोटी खाना छोड़ देंगे? नहीं, ठीक है। सो ऐसी जो कमोडिटीज़ होती हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, उनकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, या परफेक्टली इनइलास्टिक ना भी कहें तो वेरी नियर टू परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। मतलब कुछ लोग हो सकता है कि वो शिफ्ट कर जाएं ब्रेड पे, या वो शिफ्ट कर जाएं राइस पे, या वो शिफ्ट कर जाएं किसी अल्टरनेटिव पे, लेकिन कितनी देर तक, ठीक है। एवेंचुअली दे विल कम बैक टू द सेम थिंग। हाँ, अगर खुदा ना हास्ता कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी होगी कि अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, अब चाहे वो नेसेसिटी है, चाहे वो ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो किसी ना किसी सब्स्टिट्यूट पे, किसी ना किसी अल्टरनेटिव पे चले जाएंगे, ठीक है। सो एग्जैक्टली 100% एग्जाम्पल तो इसकी नहीं हो सकती, लेकिन वेरी नियर एग्जाम्पल जो है वो आप गंदम या रोटी की ले सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर यहाँ तक समझ आया है तो फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड समझ आएगी, अगर यहाँ तक समझ नहीं आया तो नेक्स्ट स्लाइड समझ नहीं आएगी। इसलिए 2 मिनट आप कंसोलिडेट कर लें, जो समझा कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। सर ये परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक बता दीजिएगा प्लीज। देखें पहले तो इलास्टिसिटी को समझें, इलास्टिसिटी हम कहते हैं ना इलास्टिक क्या चीज़ है, इलास्टिक मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर प्राइस में चेंज की वजह से, चाहे 1% कह लें चाहे 100% कह लें, प्राइस में चेंज की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की चेंज की निस्बत ज़्यादा चेंज आ जाता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक बुक है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बुक्स जो हैं वो खरीदनी पड़ती हैं, आप लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स को 100 बुक्स चाहिए, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 बुक्स चाहिए, और एक बुक की जो प्राइस है लेट्स से वो 1000 है,
तो मैं इसको कह सकता हूं कि जब किसी भी बुक की प्राइस 1,000 रुपये होती है तो उसको खरीदार या उसको खरीदने वाले 100 मौजूद हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में 100 है। कब है 100? जब प्राइस 1,000 है। ठीक है, अब आप ठहरे, मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ और यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये साथ साथ चेंज होता नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? जी सर। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं कि एक प्रोडक्ट है जिसकी, या बुक है जिसकी प्राइस 1,000 है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 100 है। अब अगर लेट्स से उसकी प्राइस बढ़ जाती है, 1,100 हो जाती है, इसमें कितने परसेंट चेंज आया? आप में से कोई बता सकता है कि ये इसको कितने परसेंट चेंज है? ये 10% सर। 10%। 10%। सो न्यूमेरिक्स में ये 100 का चेंज आ रहा है। न्यूमेरिक्स में आप देखें ना, 1,100 माइनस 1,000 करेंगे तो 100 का फर्क आएगा। लेकिन हमें रिमेम्बर, हमें क्या चाहिए? हमें न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, हमें तो परसेंटेज चाहिए। सो परसेंटेज चेंज कितना है? ये आपने मुझे बताया, दिस इज चेंज इज 10%। लेट्स से कि जब प्राइस 10% चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड जो कि पहले कितनी थी, 100 थी, वो 800 रह गई। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, सॉरी 800 नहीं, 80 रह गई। जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। अब क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया? 20% मैं कहता हूँ जी 20%। तो अब आप ये जरा इसको देखें कि प्राइस में जब 10% चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज आ गया? 20%। ज्यादा आ गया ना। इसको अगर हम रेशियो निकाले, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर 1% प्राइस में चेंज आया तो 2% क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया। क्या ये दोनों बातें सेम है? यस सर, सेम। यस सर। जी सर। मैं, आपने वो रेशियो प्रोपोर्शनेट पढ़ा होगा, वो जिसको हम तनासुब समथिंग बोलते थे, आई जस्ट फॉरगॉट दैट नेम, रेशियो, इस किस्म की चीज, रेशियो प्रोपोर्शनेट। तो अब ये देखें कि 1% प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में 1% से ज्यादा चेंज आ गया, तो इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिक। ये समझ आ गई? जी ठीक सर। है, अब लेट से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि अगर प्राइस 1,000 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, प्राइस 1,100 हो गई लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 98 आ गई, कम हो गई क्योंकि प्राइस बढ़ी है। लेकिन अब ये कितने परसेंट चेंज है? 2% सर। 2%। 2%। अब जब मैं इसकी रेशियो निकालूंगा, मतलब इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 10, ये लेस देन 1% होगी, ऐसा ही है ना? ठीक यस सर, 0.21। है, अगर उसको कैलकुलेट भी आप करना चाहें तो चलें 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये 0.2% बन जाएगी, ऐसा ही है। तो यस सर। यस सर। अब मैं इसको क्या कह सकता हूं कि अगर मैंने 1% प्राइस को चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड में 0.2% का चेंज आया, जो कि लेस देन 1% है। सो इससे हमें पता चलता है कि ये प्राइस इन इलास्टिक है। ये भी समझ आ गया? यस ठीक है। नाउ लास्ट थिंग, जो मैंने आपको यूनिट इलास्टिक बताई थी वो क्या था कि अगर एग्जैक्टली 10% चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में भी 1% चेंज आ, 10% चेंज आ जाता है तो रेशियो तो सेम हो गई 1:1। सो दैट इज दैट सिचुएशन व्हेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शनेट हैज कम और हैज रिजल्टेड, के 1% प्राइस चेंज की वजह से एग्जैक्टली 1% क्वांटिटी भी चेंज हो गई, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी कि ऐसी सूरत में अगर करता कि 1,100 प्राइस हुई थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 90 हो जाती, तो ऐसी सिचुएशन जो है दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली सेम थिंग इज यूनिट इलास्टिक डिमांड।
ओके जी, नाउ द सेकंड लास्ट स्लाइड और उसके बाद लास्ट स्लाइड, सेकंड लास्ट स्लाइड। अब हम रेवेन्यू के हवाले से बात करते हैं कि तीन सिचुएशंस हमने देखी हैं। एक सिचुएशन देखी है कि प्राइस इलास्टिक है, यानी कि 1% प्राइस चेंज विल रिजल्ट इन मोर देन 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरी सिचुएशन हमने देखी है यूनिट इलास्टिक की, कि अगर 1% प्राइस में चेंज आता है तो एग्जैक्टली 1% क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ जाता है। और तीसरी सिचुएशन देखी है प्राइस इन इलास्टिक की, जिसमें 1% अगर प्राइस में चेंज आता है तो लेस देन 1% क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। अब इस ये सारी इलास्टिसिटी पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा पढ़ने का? बेसिकली जो रिजल्ट है, जो बिजनेसमैन है या जो इकोनॉमिक्स है, वो हमें, जो हमारा मेन पर्पस था इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का, वो ये था कि हमें पता चले कि हमारे रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट प्राइस इलास्टिक है और हम उसकी प्राइस चेंज करते हैं तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, हमें तो इससे मतलब है ना, प्रॉफिट से मतलब है। और प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा अगर वो प्राइस इलास्टिक है, अगर वो यूनिट इलास्टिक है, अगर वो इन इलास्टिक है, ये सारा हमने जो काम किया, जो कैलकुलेट किया या जो इलास्टिसिटी फाइंड आउट की, वो सिर्फ इसलिए की ताकि हमें पता चले कि हमारे रेवेन्यू पे उसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है? रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। लेट से मैं मोबाइल बेचता हूँ, मेरी मोबाइल शॉप है, एक मोबाइल की प्राइस है 40,000 रुपये। तो मुझे अपना रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा कि मैंने जितने बेचे हैं उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेट से कि एक मोबाइल है 40,000 रुपये का और मैंने 100 बेचे हैं, तो मैं 100 × 40,000 जब करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है इतना मैंने आज के दिन में सेल जनरेट की या रेवेन्यू या पैसे इकट्ठे किए या रेवेन्यू जनरेट किया। अब जो हम देखने जा रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी या इन इलास्टिसिटी या यूनिट इलास्टिसिटी, इसकी वजह से मेरे रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ने वाला है। यहां तक बात समझ आ गई आपको? यस सर जी सर। ठीक है, सो पहली सिचुएशन देखें, When demand is price inelastic, अब सिर्फ मैं इतना कहूंगा price inelastic तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये क्या सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? अगर 1% प्राइस चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इनइलास्टिक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिमांड इनइलास्टिक है, अगर मैंने 1% प्राइस चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांड पे कितना चेंज आएगा, ज्यादा या कम? 1% से ज्यादा या 1% से कम? लेस देन 1% कम, लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने प्राइस को 1% ज्यादा कर दिया तो क्वांटिटी डिमांडेड 1% से कम डिक्रीज होगी, यही मतलब है इसका? नहीं समझ आया, फिर से बताता हूँ सर, आगे सुनो। ठीक है, फिर से एक दफा जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया रिपीट कर रहा हूँ। इनइलास्टिक का भी आपने खुद मुझे जवाब दिया स्टूडेंट्स ने कि प्राइस इनइलास्टिक का मतलब है कि अगर मैं 1% प्राइस इंक्रीज करूंगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 1% से कम डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं पी इंटू क्यू करूंगा या प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड करूंगा तो मेरा रेवेन्यू जो है, अगर प्राइस इनइलास्टिक है तो प्राइस इंक्रीज करने की वजह से मेरा जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम, 1% से कम या 1% से लेस रिड्यूस हो रही है, इसलिए मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। ये वाली इसके ऑपोजिट है जो मैंने हाईलाइट किया है जो स्लाइड में, डिफरेंट है। मैं आपको जो सिचुएशन बता रहा हूँ पहले वो समझ लें, फिर इस पॉइंट पे आएंगे कि क्या हो रहा है। अगर प्राइस इनइलास्टिक है तो, और मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि जितना इंक्रीज मैंने प्राइस में किया है उससे कम डिक्रीज हुई है मेरी क्वांटिटी डिमांड, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो पहले से ज्यादा होगा, सो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। और अब इस पॉइंट पे आते हैं जो हाईलाइट किया है, व्हेन डिमांड इज प्राइस इनइलास्टिक अ प्राइस डिक्रीज रिड्यूसेस टोटल रेवेन्यू। ये कैसे होगा?
कि अगर मैंने प्राइस 1% से कम कर दी तो नतीजा क्या निकलेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांड 1% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी बल्कि 1% से कम बढ़ेगी। तो मैंने अपनी प्राइस तो 1% कम कर दी लेकिन उसके बदले जो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए थी वो 1% से कम इंक्रीज हुई है, तो इसलिए मेरा रेवेन्यू जो है वो पहले के निस्पत कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गया सर? ये उसी तरह का पॉइंट है ये तो जो आपने एग्जांपल दी, इसमें जो फर्क है वो नहीं समझ आया। डिफरेंस पहले मैंने आपको इंक्रीज के हवाले से कहा था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज की बात की, दोनों सेम है मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट बात की। पहले मैंने आपको रेवेन्यू इंक्रीज करने की बात की जब प्राइस इंक्रीज हुई, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्राइस डिक्रीज कर देते हैं 1% से डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि आपकी पहले प्राइस 100 रुपये थी और अब आपने 99 कर दी, तो नतीजा क्या निकलेगा अगर वो प्राइस इनइलास्टिक है, नतीजा ये निकलेगा कि आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो प्राइस इनइलास्टिक थी प्रोडक्ट। इसी तरह अगर जो सेकंड पॉइंट है व्हेन डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, नाउ इलास्टिक मींस, अब जैसे मैं प्राइस इलास्टिक कहूंगा आपके जेहन में आ जाना चाहिए कि 1% अगर मैं प्राइस को चेंज करूंगा तो मोर देन 1% क्वांटिटी डिमांड पे असर आ जाएगा। अब क्या है अगर इसमें जो आगे फर्दर लिखा हुआ है, अब प्राइस डिक्रीज इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट, अगर हमारी डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिक डिमांड है और मैं प्राइस को कम करूंगा तो नतीजा क्या होगा, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जितनी प्राइस मैंने कम की, जितने परसेंट मैंने प्राइस कम की, क्वांटिटी डिमांडेड उस परसेंटेज से ज्यादा बढ़ गई, तो फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्राइस इनटू क्वांटिटी को तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट कहूँ कि अगर प्राइस डिमांड जो भी मेरी डिमांड है वो प्राइस इलास्टिक है और मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ तो नतीजा क्या होगा, मेरा रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जितनी परसेंट मैंने प्राइस इंक्रीज की होगी उससे ज्यादा परसेंटेज में मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, तो फिर जब फाइनली मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो रिजल्ट की बात करूं तो मेरा रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। और जो लास्ट सिचुएशन है अगर वो यूनिट इलास्टिक है तो फिर मेरे रेवेन्यू पे चेंज नहीं आएगा क्योंकि जितने परसेंट मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा एग्जैक्टली उतने परसेंट ही क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, या वाइस वर्सा, अगर मैं प्राइस डिक्रीज करूंगा तो उतने ही परसेंट मेरी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सो वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगी इंपैक्ट को, सो माय रेवेन्यू विल बी द सेम। जी यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, आई होप कि ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। ये लास्ट जो स्लाइड है ये सारी उस चीज की समरी है कि अगर मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आता है तो इसको मैं कहूंगा इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि जितने परसेंट मैंने प्राइस को चेंज किया उससे ज्यादा परसेंटेज मेरी क्वांटिटी डिमांड अफेक्ट हो गई, और नतीजा क्या होगा वो लास्ट में इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू लिखा हुआ है कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा जब प्राइस डिक्रीज होगी। फिर जब यूनिट इलास्टिक होगा तो इसका मतलब है कि जितने परसेंट प्राइस इंक्रीज हुई एग्जैक्टली उतने परसेंट क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई, और लास्ट में इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर 1% प्राइस चेंज करूंगा तो लेस देन 1% क्वांटिटी डिमांड पे चेंज आएगा। ठीक है, सो उसका रिजल्ट क्या लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ। सो ये आज का टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है यूनिट इलास्टिक डिमांड? नहीं, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इलास्टिक डिमांड है, यूनिट इलास्टिक का मतलब है एग्जैक्टली वन का मतलब ये है कि जितने परसेंट प्राइस चेंज की एग्जैक्टली उतने परसेंट इम्पैक्ट आ गया क्वांटिटी डिमांडेड पे। परफेक्टली इलास्टिक की जब आप बात करेंगे तो वो हम इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं, यूनिट इलास्टिक की नहीं, इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं। ओके सर। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा।
सर मैं ना लास्ट 2 वीक से आउट ऑफ स्टेशन थी, तो लास्ट थर्सडे को मैंने देखा था 2 असाइनमेंट।